छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आरक्षण बिल पास नहीं होने के विवाद को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि जब आरक्षण बचाया जा सकता था तो ऐसा क्यों नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब कर्नाटक में बढ़ सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। इसी क्रम में बालोद जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष केजूराम सोन बोयर ने कहा है कि किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में वाली सरकार के द्वारा सत्ता संभालते ही छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संवर्धन सशक्तिकरण की दिशा में पहल ही पहल से प्रयासरत हैं और सभी वर्गों के समाज में उचित सम्मान मिले और जीवन की मूलभूत सुविधाओं पर उसका अधिकार हो और पूरे आत्मसम्मान साथ ये आगे बढ़ सके। इन उद्देश्यों का लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर नवीन आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित करा दिया। वहीं आरक्षण मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग ने राज्यपाल के नाम निवेदन पत्र सौंपा है और छत्तीसगढ़ की जनता को उनका अधिकार और उचित न्याय प्रदान दिलाने के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए निवेदन किया। प्रस्ताव पारित किया गया है, आरक्षण की पात्रता हेतु विधानसभा में पारित कर चुके हैं। आज माननीय राज्यपाल के साइन नहीं करने से हमारे लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आज